जय गुरुदेव। आज अचानक से आपके बीच लाइव आने का मैं आपको कारण बता दूं। पिछले 2 दिन से मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्यूरीज आ रही है बताओ। और ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि कोरोना के बारे में हमने ये सुना, ये सच है क्या? ये सुना है, ऐसा होता है क्या? कोरोना में हार्ट अटैक बढ़ता है क्या? कोरोना में बीपी बढ़ रही है क्या? अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसकी डिटेल्स मैंने हर एक को अलग अलग दी है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने बताया है, लेकिन आज फेसबुक पे आने का कारण कि कोरोना अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी डॉक्टर, कोई भी जानकार ये नहीं बता सकता कि कोरोना ऐसा है तो कोरोना है, ये सिम्टम्स नहीं है तो कोरोना नहीं है, ये सिम्टम्स है तो कोरोना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना सभी को अब चकमा दे रहा है। कोरोना एक बहुरूपिया बन चुका है। कोरोना फैंसी ड्रेस कंपटीशन खेल रहा है हमारे साथ। ध्यान रखो, सिम्टम्स अलग बात है। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आदरणीय माननीय पंत प्रधान जी ने हमको बोला है, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर मैं बार बार पिछले 2 महीने से आपको बोल रहा हूं, सिर्फ पैसों के मामलों में नहीं, आत्मनिर्भर बनना है हमको अपनी आत्मचेतना के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने खुद के इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि अब कोरोना सिम्टोमेटिक बीमारी नहीं रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स आई है, WHO ने भी माना है, कहीं जगह माना जा रहा है कि पहले हमको कहा जा रहा था कि व्यक्ति से फैलता है, ऐसा नहीं फैलता, अब रिसर्च हो रहा है, 32 देशों के डॉक्टरों ने रिसर्च किया है कि हवा में भी फैल रहा है। चलो हवा को रखो बाजू, अभी तो एक नया रिपोर्ट आया है, कई केस स्टडीज मैंने देखी है, रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं बट व्यक्ति संक्रमित है, कोरोना पॉजिटिव है। मैं लैब्स पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहूंगा, यहां तक कि दिल्ली के आपके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जी जैन, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उनका टेस्ट नेगेटिव आता है और अगले ही दिन दूसरा टेस्ट करो पॉजिटिव आ रहा है। बड़ा विचित्र काम है। कुछ एक केस मैंने देखा था 25 जून से 7 जुलाई के बीच, यस 4 बार पेशेंट की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है, कोरोना नेगेटिव, RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आई है जो कि कोरोना के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट मानी गई है, और फिर भी सिम्टम्स थे और टेस्ट ऐसी वैसी जगह पे नहीं कराई गई थी, दिल्ली के एम्स में टेस्ट हुई है, फिर भी गड़बड़। डॉक्टरों को सिम्टम्स पूरे दिख रहे थे, उन्होंने सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट शुरू किया, और फिर एंटीबॉडी टेस्ट जो होती है, इसकी एंटीबॉडी टेस्ट क्या होती है इसका मैं आपको अलग से विवरण दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उस टेस्ट में पता लगा कि यह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुका था, इसके अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट हो चुकी है और इसको कोरोना हो चुका है, होकर चला गया है। तो ये अलग 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 प्रॉब्लम्स आ रही है, और वो व्यक्ति को जब एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब उसको कोरोना होकर गया है, 4 बार टेस्ट नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने के बाद कोरोना नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो कोरोना है ये बात पक्की है। ऐसा ही एक दिल्ली के शैली बंसल का केस था, रिपोर्ट नेगेटिव थी और उपचार के दौरान शैली बंसल ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे कई केसेस हो रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आना बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बहुत बड़ा है, लगभग 37% मेंटल स्ट्रेस लोगों का बढ़ा है, और ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ना यानी डिप्रेशन हाइपरटेंशन बढ़ना, तो ये बीपी शुगर वालों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आत्मनिर्भर बनो, आत्मरक्षा रखो, अपने पूरे प्रिकॉशंस जो आपको जितने जितने पता है, हाइजीनिक रहना, अपना अच्छा स्वास्थ्य रखना, अच्छा आहार लो, अच्छा खाओ, दवाओं से बेहतर है कि अच्छा खाओ, मस्त रहो, खुश रहो, कोई कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरी हिम्मत के साथ इसको फेस करो, कोई कोरोना नहीं बिगाड़ेगा। कोरोना के बारे में मैं आपको बताऊं, अब 2 पॉइंट और मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, सिर्फ 2 पॉइंट, और उसके बाद फिर 2-3 दिन में मैं दोबारा आ रहा हूं, ये जब भी जरूरत पड़ेगी आप लोग जब भी याद करोगे मैं आपके लिए तैयार हूं। पहला पॉइंट,
कि जो कल एक क्वेश्चन आया था मुझे व्हाट्सएप पर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव थी, हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज हो गया 9-10 दिन के बाद। सेकेंड टेस्ट महाराष्ट्र में तो नहीं हो रही है, बहुत जगह पे बंद हो चुकी है। पहली टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 9 दिन का आपको ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइज करके किया जा रहा है, उसके बाद आपको घर पे भेज दिया जाता है। सेकेंड नेगेटिव टेस्ट के लिए रास्ता नहीं देखते और पेशेंट परेशान है कि हमारा तो नेगेटिव आया ही नहीं, हमको क्यों छोड़ दिया। चिंता मत करो, यह कोरोना खतरनाक पहले 9 दिन में भी नहीं है, सिर्फ 6 दिनों का खतरनाक पीरियड है इसका, और उसमें भी 4 दिन का हाई रिस्क जोन है। पहले 2-3 दिन आपको पता नहीं लगता, 4 दिन के बाद निमोनिया के सिम्टम्स आते हैं, 7वें 8वें दिन तक की दिक्कत है, 9वां दिन बाउंड्री लाइन है, 9 दिन आपके कोरोना के निकल गए। अब कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जितना बिगाड़ना था उसने बिगाड़ दिया है। तो कोरोना के बाद 9 दिन के बाद आप घर पे आते हो, तो आपको रिकवरी के पर ध्यान देना है। उसके बाद घर पे आने के बाद जब मुझे फोन आ रहे हैं पेशेंट्स लोगों के कि अभी भी तकलीफ हो रही है, अभी भी बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, दम लग रहा है, तो ये सिम्टम्स आते रहेंगे। किसी को 8 दिन, किसी को 15 दिन, 2-2 महीने तक आने के रिकॉर्ड्स पहले केसेस में मिले हैं। तो चिंता मत करो, टेंशन लेकर के बीपी मत बढ़ाओ, रिलैक्स रहो। अब आप 9 दिन के बाद, कोरोना होने के 9 दिन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद वो कोरोना आपसे दूसरों को जल्दी फैलता नहीं है, और आपका जितना कुछ बिगाड़ना तो कोरोना ने वो बिगाड़ लिया, 9 दिन के बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, 9 दिन में जो डैमेज हुआ है वो अगर रिकवर नहीं होता है तो फिर वो खतरे वाली बात है। इसीलिए हमको 9 दिन का इंतजार नहीं करना है, अपने आप को पहले प्रिकॉशन रखना है। जरूरत लगती है तो पहले मेडिकल जो या जो भी हेल्प लेना है, स्वास्थ्य के लिए हेल्प लेना है वो ले लो, मदद रखो अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को कोरोना डैमेज नहीं करे इसके प्रिकॉशंस लो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, मस्त रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना। और सबसे बड़ी बात, टेंशन फ्री रहो। 50% आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आप टेंशन फ्री हो तो। और वैसे भी इन सब चीजों के लिए रेकी का मेडिटेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स मेरे चल रहे हैं, आप कनेक्टेड रहिए, और उसके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं, काफी लोगों के बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सिम्टम्स के बेस पर ना जाए, अपने आप को बचा के रखे, सुरक्षित रखे, इस बात को ध्यान दें। और एक दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि 2 क्वेश्चन लूंगा, दूसरा एक क्वेश्चन था किसी का कि कोरोना होकर चला गया अब रिस्क कितनी है। तो आप जितना जल्दी रिकवर करोगे उतनी रिस्क कम होगी, और इसमें सबसे ज्यादा रिस्क कोरोना होकर जाने के बाद यदि किसी की है तो वो है आस्थमिक पेशेंट्स, जिनको लंग्स का डिसीज है, लंग्स का इंफेक्शन का प्रॉब्लम है, दमा है, और दूसरा है हार्ट वाले पेशेंट, जिनके कोरोना ने हार्ट को डैमेज किया है, उनको आने वाले 3 महीने बहुत प्रिकॉशन लेना है। मेरे एक पेशेंट्स थे जिनके रिलेटिव का मुझे बार बार फॉलोअप हो रहा था, औरंगाबाद में एडमिट पेशेंट थे वो, और कोरोना से लड़ते लड़ते कोरोना से जंग हार बैठे। अचानक से एक दिन मुझे फोन आता है कि सर रेकी तो चल रही है और इतना मिरेकल्स चेंज हुआ कि आज पेशेंट नॉर्मल है। मैंने कहा खुश मत हो, क्योंकि अगर हार्ट पे इम्पैक्ट हुआ है तो आगे वाली सिचुएशन थोड़ी सी डरावनी हो सकती है, तो उसके लिए केयर करना है। हार्ट पेशेंट्स को आने वाले 3 महीने अपनी दवाओं का, अपने स्वास्थ्य का, योगाभ्यास का रेगुलर ध्यान रखना है। 3 महीने खतरनाक होते हैं हार्ट पेशेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात, योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और जिन लोगों ने रेकी सीखी है वे रेगुलर रेकी करें। जो योगाभ्यास करते हैं वो योगाभ्यास करें, जो नेचुरल थेरेपी फॉलो करते हैं वो लोग जल नीति का, अभी काफी डॉक्टर लोग बोलने के बाद मुझे फोन आ रहे हैं, सर आपने बोला था, डॉक्टर लोगों ने बोला है जल नीति करो। देखो, डॉक्टर हो, नेचुरल थेरेपिस्ट हो, योग शिक्षक हो, या कोई भी जानकार हो, जो जो सच्चाई सामने आ रही है सब उसी को हम दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं।
बाकी कोरोना को 100% आज कोई नहीं जानता, कोई दावा नहीं कर सकता कि ये बात 100% कोरोना के लिए है। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बच के रहो, सुरक्षित रहो, जितना हो सके फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे, सैनिटाइजर या स्वास्थ्य हाथ धोने के लिए अपने स्वास्थ्य की केयर करें, परिवार से दूरी रख बनाए रखें, घर में बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने बार बार बताया है, उसके लिए और कभी विशेष तौर से मैं यहाँ पे बुजुर्गों के लिए कुछ खास टिप्स लेकर के आऊंगा। आज तो अभी समय नहीं था, लेकिन कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, दो चार लोगों के, तो मैंने कहा चलो सभी के लिए मैं फेसबुक पे दे देता हूँ, तो चिंता न करें, ध्यान हाँ रखें, योग मेडिटेशन और ध्यान को रेगुलर रखें। रेकी साधक लोगों से विशेष विनती है कि रेकी में जितनी शक्ति है वह अपरंपार है, महाचमत्कारिक रेकी शक्ति है। तो जिन जिन लोगों ने रेकी की है, जिन्होंने अपनी साधना कंटिन्यू नहीं की है या अभी नहीं कर रहे हैं, वो लोग करें। और विशेष तौर से जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, दम लग रहा है, वे लोग अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, अपने आसपास के, अपने फैमिली डॉक्टर्स, अपने फैमिली कंसल्टेंट से कनेक्टेड रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपकी छोटी सी हलगर्जी परेशानी ला सकती है, उसके बाद ना आपका रुतबा ना आपका पैसा आपको बचा पाएगा। आज हम आसपास चारों ओर देखते हैं तो कोरोना अपना जाल फैलाता चला जा रहा है। तो प्लीज टेक केयर और जुड़े रहें, जोड़ते रहें। और आपके यदि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे YouTube चैनल रेकी दुर्गेश या फेसबुक पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 8087261919। आप मुझे उस पर व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप मैसेज डालिए। आपको कोई भी दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, परेशानी हो, मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। चिंता न करें, कोरोना बहुत छोटी बीमारी है, इनसे डरना नहीं, बिंदास रहो, मस्त रहो। और मैं तो हूं आपके साथ। और वेरी इंपॉर्टेंटली, वो ऊपर वाला जिसमें आप विश्वास रखते हो वो हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया हमारे साथ है, उस पर विश्वास रखें। इस तरह से डगमगाने न दे उस विश्वास को, और ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस हमें कोरोना से जीत जिलाएगा। ठीक है, ध्यान रखें, जय गुरुदेव, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी।